सोशल डिस्टेंसिंग हर नागरिक के लिए है, हर परिवार के लिए है, परिवार के हर सदस्य के लिए है, प्रधानमंत्री के लिए भी है। अजमेर शिवसेना के कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया गया। यह कार्यक्रम कोरोना योद्धाओं के सम्मान के लिए रखा गया था। शिवसेना ने कोरोना महामारी में जिन लोगों ने काम किया उनका सम्मान समारोह रखा गया। सफाई कर्मचारी, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, इनका स्वागत किया गया। ऐसे में आज नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। वहीं शिवसेना के कार्यकर्ता बर्थडे पार्टी मनाई जा रही थी और केक काट के जश्न मनाया जा रहा था। जेरेन अस्पताल के पास पुलिस चौकी 10 कदम की दूरी पर भी नहीं है। ऐसे में 100 से ज्यादा जने वहां मौजूद थे और खूब केक काट के समोसे, कचौरी, कोल्ड ड्रिंक, इन चीजों का आनंद उठा रहे थे। वह भूल गए थे कि यहां पर लॉकडाउन है या नहीं। ऐसे में बहुत देर बाद पुलिस को सूचना मिली तो दो पुलिस सिपाही मौके पर पहुंचे और बाद में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की गई। वहीं शादी समारोह में 50 आदमी आते हैं, यहां तो पूरे नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए। अजमेर से नरेश गोड की रिपोर्ट। आज अजमेर शिवसेना ने ये जो कोरोना के जो यहां पे परिस्थितियों के अंदर आज अजमेर जेरेन हॉस्पिटल के अंदर हम लोगों ने कार्यक्रम किया है। जो कोरोना वायरस है, सफाई कर्मचारी और नर्सिंग स्टाफ का हम लोगों ने प्रशस्ति पत्र रह के स्वागत किया है। इनका हौसला बढ़ाया है कि इन विकट परिस्थितियों में ये लोग अपनी जो सेवाएं दे रहे हैं, हम इनका बारंबार धन्यवाद अदा करते हैं। साथ ही आज हमारे यहाँ पे कामगार सेना के जिला प्रमुख जो रहे हैं हमारे लखन जी, उनका जन्मदिन भी है। उसी जन्मदिन को आज हम उनको प्रशस्ति पत्र देकर इस कार्यक्रम को मनाया। मनोहर सिंह राजावत, अजमेर शिवसेना। हाँ, ये बात तो मानते हैं सर, थोड़ा भीड़ का माहौल है, इसके लिए हम सुधार करेंगे अगले कार्यक्रम में अंदर। हाँ भाई साहब, क्या सूचना मिली थी, किस तरह से? क्या अभी फोन आया था जी, थाने से फोन आया था भाई कि कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो उनका डिस्टेंस करवावे, तो इनका डिस्टेंस है और मास्क के लिए कह दिया कि भाई मास्क लगावे और डिस्टेंस रखे। तो क्या मानते हो सोशल डिस्टेंसिंग के, ऐसे 50 आदमियों से ज़्यादा? नहीं, 50 से ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन डिस्टेंस करवा दिया है। आपका नाम? अनिल कुमार। क्या हुआ? हेड कॉन्स्टेबल।